given a discrete time periodic signal x of n is equal to sine pi n divided by 5, let a k be the complex Fourier series coefficient of x of n. The coefficients a of k are non-zero when k is equal to bm plus minus 1, where m is any integer. The value of b is fill in the blanks. Gate exam EC 2014 set 1 ka question hai, Fourier series topic ka hai. एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल दिया हुआ है जिसके कि फोरियर सीरीज़ की यहाँ पे बात हो रही है. तो ये बेसिकली फोरियर सीरीज़ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का है. तो यहाँ पे एक डिफरेंस को नोट करेंगे. सिग्नल आपको दिया हुआ है साइन पाई एन डिवाइडेड बाई 5. कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ स्मॉल के लिए, वेयर एम इज़ एन इंटीजर और आपसे वैल्यू पूछा है कैपिटल बी की. सो पहले x ऑफ n है. अगर गिवन सिग्नल का मैं पहले टाइम पीरियड निकाल लेता हूं, सो x ऑफ n जो आपका गिवन है साइन पाई n डिवाइडेड बाई 5. तो अगर इसके जनरल फॉर्म साइन ओमेगा n से अगर इसको कंपेयर करेंगे, सो ओमेगा फॉर दिस सिग्नल इज इक्वल टू पाई अपॉन 5. डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जो टाइम पीरियड होगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू स्मॉल एम. सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 2 पाई अपॉन पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू स्मॉल एम, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू एम. ये एम का रोल ये होता है क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल है तो टाइम पीरियड सिर्फ एक इंटीजर ही हो सकता है. सो ये एम को हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल एन को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए. सो n इज इक्वल टू 10 m है, m को यूज़ करते हैं कैपिटल n को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए. यहाँ पे सिंपली मैं स्मॉल m को 1 पुट करूँगा, सो आपका कैपिटल n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ x ऑफ n. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है. कोएफिशिएंट्स की अगर बात हो रही है, सो इस सिग्नल को अगर मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूँ, सो दिस साइन पाई एन डिवाइडेड बाई 5 कैन बी रिटन एज ई टू द पावर जे पाई एन डिवाइडेड बाई 5 प्लस ई टू द पावर माइनस जे पाई एन डिवाइडेड बाई 5. सॉरी साइन है, माइनस साइन आएगा, माइनस एंड डिवाइडेड बाई 2j. इसको मुझे कंपेयर करना है, x ऑफ n को मुझे कंपेयर करना है a k e टू द पावर j 2 पाई k n डिवाइडेड बाय कैपिटल n से. सो कैपिटल n आपका 10 है, सो 2 पाई बाय 10. सो 2 पाई बाय 10 बोलो ये पाई अपॉन 5 है. सो ये इसको 2 पाई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ. e टू द पावर j पाई बाई 5 को मैं लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 इंटू एन माइनस ई टू द पावर माइनस जे, अगेन पाई बाई 5 को मैं लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 एन डिवाइडेड बाई 2j. अब जो है ये कंपेयरेबल फॉर्म में है. अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पे k की वैल्यू मिल सकती है, आई मीन a ऑफ k की वैल्यू मिल सकती है. सो ये जो फर्स्ट पार्ट है, सो 1 अपॉन 2j e टू द पावर j 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 n को मैं अगर कंपेयर करूँगा a k e टू द पावर j 2 पाई k n डिवाइडेड बाई कैपिटल n. अब ये जो कैपिटल n है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 10 है, ये हमने फाइंड किया हुआ है. सो लेट मी राइट 10. अब देखिए ये एकदम कंपेरेबल फॉर्म में आ गया है. k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स ये जो ए के है दैट विल बी ए 1. सो दिस विल गिव मी ए 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2j. सिमिलरली जो आपका सेकेंड टर्म है माइनस 1 अपॉन 2j e टू द पावर माइनस जे 2 पाई n डिवाइडेड बाई 10. अगर मैं इसको कंपेयर करूं a k e टू द पावर माइनस j या e टू द पावर j 2 पाई k n
डिवाइडेड बाई एन से, और अगेन एन हमने फाइंड किया हुआ है 10 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं के की वैल्यू यहां से माइनस वन मिलेगी, दैट मीन्स ए ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 2j. सो ये दो कोएफिशिएंट्स आपके मिलेंगे, बाकी कोई भी टर्म्स नहीं है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बिकम जीरो. सो यू कैन से कि ए ऑफ के की जो आपको वैल्यू मिली है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2j फॉर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2j फॉर k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड इट इज जीरो अदरवाइज. अब जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है आपका, उसके जो फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी होगी कि जिस टाइम पीरियड से आपका सिग्नल पीरियोडिक है उसी टाइम पीरियड से आपके कोएफिशिएंट्स भी पीरियोडिक होंगे. दैट मीन्स जैसे कि ए ऑफ माइनस वन की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस वन अपॉन 2j, और ए ऑफ वन की वैल्यू आपको मिल रही है 1 अपॉन 2j. तो ये कोएफिशिएंट्स रिपीट करेंगे इनफाइनाइटली एट द सेम इंटरवल ऑफ n इज इक्वल टू 10. जिस इंटरवल पे आपका x ऑफ n पीरियोडिक है उसी इंटरवल पे आपके फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स भी पीरियोडिक होंगे. दैट मीन्स ये जो माइनस वन है ये आपका जाके रिपीट होगा a ऑफ 9 में, जहां पे वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2j होगी, और a ऑफ 1 आपका रिपीट होगा a ऑफ 11 में, जहां पे इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 2j. सिमिलरली ये रिपीटेशन दोनों तरफ चलते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम तक एट द टाइम पीरियड ऑफ n इज इक्वल टू 10. सो अब यहां पे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोएफिशिएंट्स आर नॉन जीरो व्हेन k इज इक्वल टू bm प्लस माइनस 1. b को अगर यहां पे मैं 10 पुट करता हूं, सो पुट b इज इक्वल टू 10, सो k विल बी इक्वल टू 10m प्लस माइनस 1. इट मींस अगर मैं m को 0 पुट करता हूं सो k आपको मिलेगा प्लस माइनस 1. अगर मैं m को 1 पुट करता हूं सो 10 प्लस माइनस ऑफ 1, दैट मींस k इज इक्वल टू 9 एंड 11 एंड सो ऑन. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने b को 10 क्यों पुट किया, क्योंकि 10 इंटरवल के बाद या 10 इंडेक्सेस के बाद कोएफिशिएंट्स रिपीट होंगे. सो माइनस 1 और 1 का रिपीटेशन 9 और 11 में होगा, सेम 19 और 21 पे होगा, और सेम आपका नेगेटिव एक्सिस में भी चलता रहेगा. सो b को अगर आप 10 पुट करेंगे तो ये इंडेक्सेस आपको मिलेंगे, और इस इंडेक्सेस पे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू नॉन जीरो है. सो दीज आर द इंडेक्सेस वेयर कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो. और ये 10 इसलिए आया क्योंकि आपका जो सिग्नल है उसका भी टाइम पीरियड 10 था, तो कोएफिशिएंट भी जो होंगे वो भी 10 पीरियड के बाद रिपीट करेंगे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज b इज इक्वल टू 10. सिग्नल 2 cos 2 pi by 3 t माइनस cos pi t is the input to an LTI system with transfer function h of s is equal to e to the power s plus e to the power minus s. If ck denotes the kth coefficient in the exponential Fourier series of the output signal, then c3 is equal to option a 0, option b 1, option c 2, option d 3. ये क्वेश्चन गेट एग्जाम 2016 में सेट 3 में था, फोरियर सीरीज पे बेस्ड है, और यहाँ पे सिस्टम के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई होंगी. सो देखिए एक सिस्टम एक सिग्नल दिया हुआ है, इनपुट सिग्नल, और जिस सिस्टम पे ये अप्लाइड है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आपको दिया हुआ है. पहले तो आपको आउटपुट निकालना है, और फिर आउटपुट के फोरियर सीरीज का kth कोएफिशिएंट अगर ck है तो आपको फाइंड करना है c3. सो पहले आउटपुट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर फोरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट से c3 की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो पहला जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिस्टम पे बेस्ड है. तो h ऑफ s जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं इसको ओमेगा डोमेन में लेके जाता हूँ, सो इफ आई पुट s इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा, देन h ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, दैट विल बिकम e टू द पावर j ओमेगा
प्लस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू करूंगा तो ये साइनसॉइडल में कन्वर्ट होगा. सो आई कैन राइट एच ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा है, उसको डायरेक्टली हम एच ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं. सो एच ऑफ ओमेगा आपका हो जाएगा टू कॉस ऑफ ओमेगा. सो ये आपका यू कैन से जो ट्रांसफर फंक्शन था आप कह सकते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया. अब इनपुट जो है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. सो अगेन एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टी, इनपुट अगर साइनोसॉइडल है तो आउटपुट भी साइनोसॉइडल होगा, मैग्नीट्यूड में कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा, फेस में कुछ एडिशन होगा. सो सिस्टम जो है और जो ये इनपुट जो है पर्टिकुलर इनपुट को हम यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. सो लेट x ऑफ t इज इक्वल टू टू cos 2 पाई बाई 3 t माइनस cos पाई t. लेट दिस बी इक्वल टू x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ t. सो क्योंकि LTI सिस्टम है दैट मीन्स लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है दैट मीन्स इनपुट में अगर एक साथ अप्लाई करूँ या सेपरेटली भी अप्लाई करूँ तो भी टोटल आउटपुट विल नॉट चेंज. सो पहले मैं x1t के करस्पॉन्डिंग y1t को फाइंड करूँगा. सो x1t अगर मैं चेक करता हूँ सो दैट इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई बाई 3 टाइम्स ऑफ t. सो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा cos ओमेगा t से कंपेयर करके सो ओमेगा होगा 2 पाई बाई 3. सो जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं. सो एच ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 cos 2 पाई बाई 3. सो इसको आप चेक कर सकते हैं 60 120 कैलकुलेट कर करेंगे सो दिस विल गिव यू माइनस 1. अब अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की वैल्यू पता चल चुकी है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिसपे कि इनपुट अप्लाइड है, आप आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वाई वन ऑफ टी विल बी इक्वल टू ये माइनस वन आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वन ऑफ टी में. सो माइनस वन अगर ये मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बिकम माइनस टू कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 टी. इन द सेम वे एक्स टू चेक कर लेते हैं. सो एक्स टू ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस पाई टी. यहां पे अगर आप चेक करेंगे सो फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा जो है कंपेयर करके आपका पाई आ जाएगा. नाउ अगेन ट्रांसफर फंक्शन और द फ्रीक्वेंसी एट द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ टू दैट इज पाई दिस विल बी इक्वल टू कॉस टू कॉस ओमेगा. दिस इज टू कॉस ओमेगा सो दिस इज टू कॉस ऑफ पाई सो दैट इज कॉस पाई माइनस वन दैट विल गिव यू माइनस टू. अब अगेन अगर इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है सो वाई टू ऑफ टी सो वाई टू ऑफ टी विल बी इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई होगा और कॉस पाई टी पे. ओके अब ये जो इनपुट एक साथ अप्लाई करेंगे सो टोटल आउटपुट भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यू कैन से सिंस x ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ t एंड योर सिस्टम इज लीनियर एज गिवन इन द क्वेश्चन सो y ऑफ t कैन बी रिटन एज y1 ऑफ t माइनस y2 ऑफ t. सो y1 ऑफ t अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास है माइनस 2 cos ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 t माइनस ऑफ y2 अगर चेक करेंगे सो माइनस 2 cos पाई t. सो माइनस 2 cos 2 पाई बाई 3 t प्लस 2 टाइम्स cos पाई t. ये आपका टोटल आउटपुट निकल गया y ऑफ t. इस आउटपुट का आपको फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है सी ऑफ 3. सो इसको मैं डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ और फिर कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन जब भी आपके पास दो साइनोसॉइडल्स हैं आपको इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए ताकि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आपको सिग्नल की पता चल सके. सो उसके लिए चेक करते हैं. ये जो पहला सिग्नल दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, इसमें अगर मैं ओमेगा को चेक करूँगा
ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3 और टी का फॉर्मूला होगा 2π/ओमेगा 2π/ओमेगा, ओमेगा है आपका 2π/3, सो योर आंसर विल बी 3. इन द सेम वे सेकेंड सिग्नल जो आपका है ओमेगा कंपेयर करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू पाई एसेड, सो 2π/ओमेगा इज इक्वल टू 2π/पाई दैट इज इक्वल टू 2. सो पहले सिग्नल का टाइम पीरियड है 3, सेकेंड सिग्नल का टाइम पीरियड है 2, और टोटल टाइम पीरियड अगर मुझे चाहिए, लेट मी से अगर मैं इसको ओमेगा 1 t1 बोलता हूँ और ओमेगा 2 t2 बोलता हूँ, सो फाइनल जो t होगा वो LCM ऑफ t1 t2 होगा, और 3 और 2 के केस में ही आपका LCM 6 होगा. सो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की जो बात आएगी दैट विल बिकम 2π/ओमेगा, सॉरी 2π/ टाइम पीरियड 2π/6 दैट इज इक्वल टू π/3. सो जो ओवरऑल सिग्नल है y ऑफ t, जो आउटपुट सिग्नल है उसका टाइम पीरियड π/3 है, मतलब ये जो ओमेगा नॉट है फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू π/3. सो अगर हम इसको चेक करेंगे, नाउ y ऑफ t कैन बी रिटन एज -2 cos(2π/3t) +2 cos(π t). अब देखिए ओमेगा नॉट के टर्म्स में लिखना है जो कि पाई बाई थ्री है, तो ये तो पाई बाई थ्री के टर्म्स में ही है, इसको भी पहले मुझे पाई बाई थ्री के टर्म्स में लिखना है. सो दिस विल बिकम -2 cos(2π/3t) +2 cos(, अब देखिए पाई को पाई बाई थ्री लिखना है तो 3 times π/3 t, और अगर मैं इसको ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर लूँ जो कि फाइनल फ्रीक्वेंसी है आउटपुट सिग्नल की, तो -2 cos(2ω0t) +2 times cos(3ω0t). अब आपको कोएफिशिएंट्स चाहिए एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के, सो इसको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करके देख लेते हैं. सो दिस विल गिव यू -2 times cos के लिए लिखेंगे e^j2ω0t +e^-j2ω0t ÷2, एंड इन द सेम वे 2 times e^j3ω0t +e^-j3ω0t ÷2. सो अगर आप इसके कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे तो ये आपको देगा C(2). दिस कोएफिशिएंट विल गिव यू C(-2), दिस कोएफिशिएंट विल गिव यू C(3), एंड दिस कोएफिशिएंट विल गिव यू C(-3). C(3) की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो यू कैन सी 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 1. सो C(3) जो क्वेश्चन पूछा था वो आपसे, दैट द आंसर इज 1. तो ये कोएफिशिएंट जो है 2/2, C(3) विल बी इक्वल टू 1, और C(3) आपसे पूछा हुआ था, सो दिस इज द आंसर. द पीरियोडिक सिग्नल x(t) हैज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन x(t) इज इक्वल टू a0 +n=1 to ∞ (an cos(n ω0t) (bn sin(n ω0t). If x(t) इज इक्वल टू -(x−t) इज इक्वल टू -(x)t - π/ω0, वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन ए an are 0 फॉर ऑल n एंड bn are 0 फॉर n इवन, ऑप्शन बी an are 0 फॉर ऑल n एंड bn are 0 फॉर n ऑड, ऑप्शन सी an are 0 फॉर n इवन एंड bn are 0 फॉर n ऑड, ऑप्शन डी an are 0 फॉर n ऑड एंड bn are 0 फॉर n इवन. गेट एग्जाम EC 2017 सेट 1 का क्वेश्चन है, फोर ईयर सीरीज पे बेस्ड है. ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन दिया है एक पीरियोडिक सिग्नल x(t) का, कुछ इक्वेशंस दिए जहाँ से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इवन है, ऑड है, हाफ वेव सिमेट्री पे बेस्ड कुछ इक्वेशंस है जो कि फॉलो कर रहे हैं हमारा सिग्नल, और फिर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, कि कौन से कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट करेंगे an bn और कौन से कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सो पहले तो इस इक्वेशन को एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन दिया है फर्स्ट वाला, x(t) इज इक्वल टू -x(-t), ये क्लियरली डेफिनेशन है ऑड सिग्नल का, इसका मतलब x(t) जो है
दैट इज एन ऑड सिग्नल। ये पहला कंक्लूजन है। सेकेंडली, सेकेंड पार्ट अगर देखेंगे, सो एक्स ऑफ टी जो है दैट इज ऑल्सो गिवन इक्वल टू माइनस एक्स टी माइनस पाई अपॉन ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स ऑफ टी सिग्नल दैट इज गिवन टू अस। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस, अगर मैं टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, टू पाई डिवाइडेड बाई टू ओमेगा नॉट। तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे, सो टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट, अगर ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है, सो टू पाई ओमेगा नॉट जो है दैट विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। सो लेट अस सपोज कि टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल इज टी नॉट, सो देन आई कैन से एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू। And this clearly is in definition of signal following a half wave symmetry. So this concludes ki x of t jo hai, that is half wave symmetric signal. X of t is half wave symmetric signal. Ab dekhte hain ki yahan se aage kya conclusions nikal ke aa sakte hain. ओके, सो पहली चीज ये हमें पता है कि फॉर एन इवन सिग्नल ओनली एन टर्म्स एग्जिस्ट एंड बी एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। इन द सेम वे odd signal only bn terms exist and an is equal to 0 for all n, and thirdly for half wave symmetric signal only odd harmonics exist। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है फॉर बोथ ए एन एंड बी एन, सिर्फ odd harmonics exist करेंगे, मतलब even harmonics will be equal to zero। It means a of 2n is equal to b of 2n is equal to 0। So यहां पे कौन कौन सी conditions follow हो रही है हमारी, odd signal भी है और half wave symmetry को भी follow कर रहा है, क्योंकि odd signal है an equal to 0 permanently 0 हो जाएगा किसी भी n की value के लिए। So दोनों को जब मैं combine करूंगा, so it will mean first conclusion ये होगा कि an जो है that is 0 for all n, मतलब बी एन नॉन जीरो होगा। अब उस नॉन जीरो में भी क्योंकि हमारा सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, उस बी एन जो एग्जिस्ट होगा उसमें भी इवन जो बी एन होंगे उनकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। सो इट मीन्स एंड बी टू एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। सो यहां पे जब आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए एन तो जीरो है सभी n की वैल्यूज के लिए, और bn एन जीरो है n इज इक्वल टू इवन के लिए क्योंकि b ऑफ 2n एन इक्वल टू जीरो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। सो सिंपल वे में दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट x ऑफ t बी अ कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल विथ फंडामेंटल पीरियड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। लेट a ऑफ k बी द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ t where k is integer valued. Consider the following statements about x of 3t. Statement 1, the complex Fourier series coefficient of x of 3t are ak, where k is integer valued. Statement 2, the complex Fourier series coefficient of x of 3t are 3 times ak, where k is integer valued. Statement 3,
The fundamental angular frequency of x of 3t is 6 pi radians per second. For the three statements above, which one of the following is correct? Option A, only 2 and 3 are true. Option B, only 1 and 3 are true. Option C, only 3 is true. Option D, only 1 is true. गेट एग्जाम इसी 2017 सेट वन का क्वेश्चन है, फोर ईयर सीरीज पे बेस्ड है. फोर ईयर सीरीज कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. एक्स ऑफ टी एक सिग्नल दिया हुआ है जिसका कि टाइम पीरियड 1 सेकेंड्स है. ए के एक फोर ईयर सीरीज कोएफिशिएंट दिया हुआ है एक्स ऑफ टी का. आपसे कुछ ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कि एक्स ऑफ 3t के फोर ईयर सीरीज कोएफिशिएंट पे बेस्ड है. सो एक तरह से रिजल्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन है, तो कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. जैसे कि अगर x ऑफ t सिग्नल है जिसके कि फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स गिवन है a ऑफ k, देन इसका जो स्केल्ड वर्जन होगा इसके भी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a ऑफ k ही रहेंगे. दैट मीन्स टाइम स्केलिंग करने से कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं होंगे, दे विल रिमेन द सेम. सो इट मीन्स वन और टू में स्टेटमेंट वन इज करेक्ट कि x ऑफ 3t का कोएफिशिएंट्स भी a के रहेंगे, 3 a के नहीं होंगे. सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट. लेकिन कोएफिशिएंट्स सेम है, लेकिन कोएफिशिएंट के एग्जिस्ट करने का जो टाइम पीरियड होगा या जो कोएफिशिएंट्स के बीच का जो टाइम होगा या कोएफिशिएंट के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम वन अपॉन टाइम पीरियड कह सकते हैं, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. सो जिस इंटरवल पे कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इंटरवल चेंज होगा, उनके बीच का टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज होगा. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर द गिवन सिग्नल टाइम पीरियड वॉज गिवन एज 1 सेकेंड. अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 2π/t, दैट इज इक्वल टू 2π. सो दिस विल बी इन रेडियंस पर सेकेंड. अगर आपका सिग्नल 3 टाइम्स से मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स 3t है. अगर x ऑफ 3t सिग्नल की बात कर रहे हैं तो जो कोएफिशिएंट्स के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो 3 टाइम्स से डिवाइड होगा. दैट मीन्स फॉर x ऑफ 3t टी डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टी अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड्स. अगर टाइम पीरियड 3 से डिवाइड हुआ है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए. ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, और ये जो ओमेगा था एक्स ऑफ टी का वो 2π radians per second था. सो 2π × 3 दैट विल बी इक्वल टू 6π radians per second. तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्केलिंग होने से कोएफिशिएंट सेम रहेंगे लेकिन उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा. तो अगर के मल्टीप्लाइड है या कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो टाइम पीरियड में उसी फैक्टर से डिवाइड होगा, और टाइम पीरियड में अगर किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में वो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ पे जो एक्स ऑफ 3t है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 6π radians per second होगी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट.